में सरपंच बना देते हैं, जो बोला है ना उन्होंने वो करके भेज रहे हैं। आई एम वेरी सैटिस्फाइड। वेलकम बैक दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले टाटा पंच के बेस मॉडल प्योर के मॉडिफिकेशन की। और सबसे पहले आपको मिलवाते हैं इस कार के ओनर से। अपना नाम? रजत कुमार। भैया? प्रिंस कुमार। कहाँ से भैया बताएंगे? भैया मानेसर से आए हैं, गुड़गांव। मानेसर गुड़गांव से आए भैया हमारे पास। तो कोई वीडियो वगैरह देख करके यहाँ पे आपको पता चला कैसे? आपका वीडियो देखते रहते हैं, डेकोरम कार तो पूरा फेमस है, सरपंच बना देते हो भाई, तो इसीलिए आ गया आज हम भी अपना सरपंच बनवाने। तो बेसिकली आप आज अपनी गाड़ी में क्या क्या काम करवाने वाले हो? भैया सारे ही लगभग काम है, एलोय व्हील को छोड़ के बाकी नॉर्मल सारे ही मॉडिफिकेशन है जो करवा रहे हैं। आपने वो वीडियोस वगैरह देखी थी, आपको वीडियोस कैसी लगी थी हमारी? भैया बहुत अच्छी लगी थी, तभी तो देख के आए हैं भैया, नहीं तो हमें तो भरोसा नहीं होता है कि यहाँ गुड़गांव में भी काफ़ी सारे हैं, बट वहाँ से यहाँ आने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स का रिव्यू, जो सेटिस्फेक्शन रिव्यू होता है ना, इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। चलो आप वीडियो के एंड में हम देखते हैं कि भैया का सेटिस्फेक्शन कितना होता है हमारे। तो दोस्तों एक बार आपको गाड़ी की कंडीशन दिखा देता हूँ, कौन कौन सी चीजें इस वाली कार के अंदर जो है वो इंस्टॉल करी जा रही हैं। तो सबसे पहले लाइटिंग सेटअप की बात कर लेते हैं। तो बेस मॉडल प्योर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं, तो फॉग लाइट का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है विद एलईडी बल्ब के साथ। ऊपर हेडलाइट है, इसके अंदर आपको मिलता है हैलोजन बल्ब, इसके अंदर भी रिप्लेसमेंट करी जाएगी और इसके अंदर भी आपको जो एलईडी बल्ब है वो देखने को मिलेगा। ऊपर डीआरएल लग चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो पार्किंग बल्ब में अभी हैलोजन लाइट लगी हुई है, ये इसको भी रिप्लेस करके इसके अंदर जो एलईडी बल्ब है वो भी इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा चलते हैं अब इंटीरियर में, आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से कौन कौन सी एक्सेसरीज हैं। सबसे पहले आप इसका फ्लोर देख लीजिए, तो फ्लोर अभी स्टॉक वाला है जो कंपनी से आता है अपना कारपेट वाला, इस वक्त इसके ऊपर ही वाली फ्लोरिंग जो है वो इंस्टॉल करी जानी है और ये अपनी बर्फी वाली डिजाइन के अंदर फ्लोरिंग रहने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीट फ्लोर के ऊपर इसका इंस्टॉलेशन रहने वाला है। डोर्स में आते हैं तो यहाँ पे आपको काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। रियर की पावर विंडोज जो है वो आपको पंच के बेस मॉडल में नहीं मिलती है, तो आरडी कंपनी की जो रियर पावर विंडोज है वो इंस्टॉल करी गई है और स्विचेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ये अपने इंडिविजुअल वर्क करेंगे। बाकी स्पीकर्स आप देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं पाइनर के जो कोएक्सियल स्पीकर्स हैं वो रियर डोर्स में प्रॉपर रिंग वगैरह के साथ इसका इंस्टॉलेशन है, और सेम है आपको फ्रंट डोर्स के अंदर भी कोएक्सियल स्पीकर्स जो है वो पाइनर के देखने को मिल जाते हैं। ब्रांडिंग आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, अपना पाइनर की मार्किंग देखने को मिल जाती है। अब ये क्योंकि बेस वेरिएंट है दोस्तों, इसमें अपना म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको नहीं मिलता है, तो यहाँ पे अपना जो म्यूजिक सिस्टम का इंस्टॉलेशन है वो आपको देखने को मिल जाता है। 9 इंच की स्क्रीन के साथ टच स्क्रीन जो म्यूजिक सिस्टम है वो इंस्टॉल किया गया है। वायरिंग वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो, तो प्रॉपर कपलर के साथ जो आपको वो देखने को मिल जाती है। रियर व्यू कैमरा भी है, इसी के साथ साथ अपने जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। और इस वाली गाड़ी के अंदर जो आपको मिलता है ये आप यहाँ पर देख लीजिए, तो कुछ तरीके का आपको मिलता है जिसमें कोई कंट्रोल वगैरह नहीं मिलते, तो उसको रिप्लेस करके टाटा जनरल वाले जो अपने स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो इंस्टॉल करे गए हैं। रियर में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखो तो रियर व्यू कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया गया है और यहाँ पे अभी इसकी फिनिशिंग बाकी है और बम्पर में छेद करके जो इसका इंस्टॉलेशन है किया गया है और रियर की जो ये लाइट है इससे इसका जो कनेक्शन है वो आपको मिलता है। साथ ही दोस्तों एक अपडेट इसके हॉर्न के अंदर भी किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो अपने डुअल टोन वाले जो अपने हॉर्न है वो यहाँ पे लगाए गए हैं, एक हॉर्न की असेंबली यहाँ पर है और दूसरा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसकी जो प्रॉपर वायरिंग की गई है वो यहाँ पे आप देखें तो आपको इसकी थिम्बल के साथ जो है वायरिंग देखने को मिल जाती है प्रॉपर, और जो फॉग लाइट है उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। और ये अपनी आगे फॉग लाइट की रिले जो कि अपनी मिंडा की रिले के साथ जो है वो इंस्टॉल करी गई है, यहाँ पर आप यूनो मिंडा की प्रॉपर जो मार्किंग है वो देख सकते हैं। तो जितना भी फॉग लाइट वगैरह जितना भी वायरिंग का काम है वो सारा कुछ आपको कपलर टू कपलर किया गया है, कोई भी वारंटी जो है वो लैप्स नहीं हुई है, और जो इस कार के ओनर है वो भी जो है वो कंप्लीट इसका जो इंस्टॉलेशन है वो देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो उनके सारे कुछ अंडरटेकिंग में इसका काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे दो जो है चीजों का इंस्टॉलेशन चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अपना पीस है डोर पैनल वाला, जो कि इसके इस वाले पीस को यहाँ पर इसके ऊपर कंप्लीट जो रैपिंग रहने वाली है, इसके ऊपर भी सीट कवर के कॉम्बिनेशन के साथ जो अपना अपहोल्स्ट्री है वो आपको देखने को मिलेगी और सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। साथ ही दोस्तों बेस वेरिएंट के अंदर आपको व्हील कवर जो है वो नहीं मिलते हैं, तो ये वाला जो अपना व्हील कवर है ये आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका इंस्टॉलेशन रहने वाला है। डुअल टोन वाले अपने व्हील कवर्स ये लगाए जाएंगे इसके ऊपर, तो कुछ इस तरीके का आपको व्यू आने वाला है, बस लगता है फिर आपको दिखाते हैं। इन सभी के अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो बेसिक एक्सेसरीज के तौर पे आपके यहाँ पे डोर वाइजर जो है वो भी इंस्टॉल किए जाने हैं, लोअर गार्निश भी रहने वाली है, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये अपना जो डोर वाइजर है ये आप देख सकते हैं, तो नॉन क्रोम लाइन वाला जो डोर वाइजर है वो इंस्टॉल किया जाएगा, प्रॉपर पंच का रहेगा। इसके अलावा अपनी जो रूफ रेल है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ वो भी जो है वो इंस्टॉल करी जानी है। अगला अपडेट जो है अपने वो फ्लोरिंग का किया जाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट फ्लोर को यहाँ पे ब्रशिंग वगैरह के साथ बिल्कुल परफेक्टली क्लीन किया जाएगा इसके इंस्टॉलेशन से पहले, और जब इसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो आपका जो फ्लोर है वो कम्प्लीटली एक जो शीट के नीचे ढक जाएगा, तो वो भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके की इसकी जो फिनिशिंग है वो आती है। इस वाली पंच के अंदर जो है वो आपको इंटीरियर वर्क भी देखने को मिलने वाला है, तो अपना जो स्टीयरिंग व्हील है वो तो एक तो डुअल टोन के कॉम्बिनेशन में रहने ही वाला है। इसके अलावा ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना वाइट कलर का, ये पोर्शन के ऊपर भी आपको सेम सीट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ जो टैन कलर का कॉम्बो है वो देखने को मिलने वाला है। ये वाला कंप्लीट पोर्शन रहेगा, इस तरीके से चार डोर
डोर पैनल्स रहेंगे उनके ऊपर भी आपको सेम जो है वो इंस्टॉलेशन देखने को मिलेगा जो इंटीरियर वर्क में आपको देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों कार्डी की अपनी 6 पीस वाली जो जनरेशन 2 एमएस लाइट है वो भी आपको देखने को मिलने वाली है और यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके प्रोजेक्टर जो है वो डोर्स के अंदर कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुके हैं और अपना सेंटर में इसका भी जो काम किया जाना है ये इसकी जो मेन यूनिट है वो रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर आपको कार्डी की जो मार्किंग है वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्टर्स ये अपने 6 पीस वाली रहने वाली जो कि 4 दरवाजों में रहेगी और 2 पीस आपको डैशबोर्ड के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। सीट कवर की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैन एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ अपने सीट कवर से वो इंस्टॉल किए जाने हैं और ऊपर वाला पोर्शन अभी आप देख सकते हो बायस्टॉक जिस तरीके से कंपनी से आता है तो फुल बकेट जो है इसका इंस्टॉलेशन रहने वाला है और इसकी स्टिचिंग खोलने के बाद इसमें आपको देखने को मिलती है क्लिपिंग करके इसको बकेट किया जाता है। तो यहाँ पे हाफ सीट के अंदर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी हाफ सीट के अंदर बाकी है, बाकी इधर अपना हेड रेस्ट का काम हो रहा है और दोस्तों फ्लोरिंग का जो इंस्टॉलेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आपको मैं इसकी फिनिशिंग वगैरह दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे पैनल्स के ठीक नीचे ये जो फ्लोरिंग है वो आपकी चली जाती है इस तरीके से, इस वाली साइड में भी है। अगर आप इसको खींचते भी हो ना यहाँ पे देखो तो ये खींचने पर बाहर नहीं आ रही, तो आपका कल को पैर लगने की वजह से अगर आपका पैर से दबता भी है तो ये पीस जो है बाहर नहीं आएगा, जिस वजह से आपको फ्लोरिंग जो है वो हमेशा अंदर ही बनी रहेगी और आपका फ्लोरिंग जो है खराब नहीं होगी। इंटीरियर पैनल का जो काम है वो यहाँ पे आप देख सकते हो तो अपना चल रहा है और कुछ पीसेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो डोर पैनल वाला पीस है पूरा का अपना टैन कलर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ये फ्रंट डोर्स का है, इस तरीके से ये जो है अपने रियर डोर का पैनल थोड़ा छोटा रहता है और ये अपना जो है इस टाइम पे आप डैशबोर्ड देख रहे हो तो प्रॉपर बूस्टिंग वगैरह के साथ फिर उसके बाद अपना हीट गन का यूज करके इसका जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा और इस तरीके से चिपकाया जाएगा कि दोबारा जो है वो उखड़ता नहीं है। तो भाई अब अपनी जो स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर डुअल टोन वाला जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको डुअल टोन रैप जो है वो देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ में सीट कवर जो है वो भी कम्प्लीटली री इंस्टॉल हो चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर। तो एक बार आपको मैं क्योंकि अभी डे का टाइम है तो प्रॉपर आपको दिखा सकूंगा किस तरीके का जो इसका सीट कवर का फिनिशिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो फुल बकेट जो अपने सीट कवर्स है वो यहाँ पर इंस्टॉल आपको देखने को मिल जाते हैं टैन कलर के साथ है और पीछे की तरफ आपको ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट देखने को मिल जाता है। दोनों सीट के पीछे आपको पॉकेट भी मिल जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके का आपको ओवरऑल जो इसका फ्लोरिंग है वो देखने को मिल जाती है। तो कंप्लीट आपको ये भी देखने को मिल जाएगी, इसके ऊपर भी मैट भी लगेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर आपको स्टिचिंग वगैरह बिल्कुल प्रॉपर मिल जाती है और ये अपना हेडरेस्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट आपको फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जो इंटीरियर है वो काफी अच्छा हो चुका है, अभी डोर पैनल्स वाला जो है वो सिर्फ बाकी रह गया और अपना स्टीयरिंग व्हील है ये बाकी रह गया, बाकी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अपने पंच का सारा कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉग लाइट का इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अपना एलईडी के साथ में ऊपर भी एलईडी चेंज की गई है, यहाँ पर भी एलईडी है और ये अपने जो डीआरएल्स हैं वो डुअल पर्पस वाले यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। लुक किस तरीके का आ रहा है सामने से वो आप यहाँ पर बात आती है साइड प्रोफाइल की, दोस्तों साइड का आप कंप्लीट व्यू ले लीजिए यहाँ पे क्या क्या इंस्टॉल किया गया है। तो सबसे पहले अपने जो व्हील कवर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं डुअल टोन वाले। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अपना जो एंटीना है वो नहीं मिलता है इस वाले वेरिएंट के अंदर, तो अपना जो एंटीना है वो इंस्टॉल किया गया है और जिस तरीके से आपको इसके अपर वेरिएंट यानी कि एडवेंचर वेरिएंट से कंपनी ऑफर करती है सेम एंटीना यहाँ पे लगा हुआ है। रूफ रेल्स लगाई गई है यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर फिटमेंट के साथ है, कहीं पर भी आपको जो है गैप वगैरह देखने को नहीं मिलने वाला, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ जो इसकी रूफ रेल है पियानो ब्लैक कलर के साथ वो इसके ऊपर इंस्टॉल करी गई है। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ वाली पे रूफ रेल जो इसका आउटपुट है वो आप देख लीजिए और उस वाली पे भी रूफ रेल नहीं लगी है, दोनों के बीच का फर्क आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे आपको काफी अच्छा व्यू आ रहा होगा जबकि वहाँ पे जो है किस तरीके का है वो भी आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से अपने डोर वाइजर है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं यहाँ पे प्रॉपर पंच की ब्रांडिंग के साथ जो है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए क्रोम वाले भी आते हैं, चाहे आप क्रोम वाले भी लगवा सकते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक लोअर गार्निश है यहाँ पे आप देखें तो 6 पीस वाले अपनी जो लोअर गार्निश है क्रोम की वो लगाई गई है और इसकी किस तरीके की फिटमेंट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। डोर हैंडल्स भी क्रोम फिनिश में आपको देखने को मिल जाते हैं, ये आप देख लीजिए फ्रंट वाला और ये है अपना रियर वाला। तो साइड से आपको थोड़ा सा पीछे होकर दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें तो साइड का ओवरऑल लुक काफी अच्छा हो। तो भाई अब बात करते हैं कार के इंटीरियर की और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से कौन कौन सी चीज इस वाली गाड़ी के अंदर जो है वो इंस्टॉल करी गई है। तो सबसे पहले आप गाड़ी का इंटीरियर देखिए तो बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं, जिस तरीके से सुबह ये गाड़ी आई थी उसके मुकाबले तो पूरा इंटीरियर जो है काफी प्रीमियम हो चुका है। अब आपको एक एक करके दिखाता हूँ कौन कौन सी एक्सेसरीज इस वाली गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करी गई है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी एमएस लाइटिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी 6 पीस वाली जो एमएस लाइट है जनरेशन 2 वाली वो इंस्टॉल करी गई है और प्रॉपर आपको यहाँ पे इसका जो आउटपुट है इवन देखने को मिल जाता है, चाहे वो आप इसके डोर पैनल्स पे देखिए चाहे आप इसके डैशबोर्ड वाले पार्ट के ऊपर। तो 6 पीस वाली है तो 2 पीस आपने डैशबोर्ड के ऊपर आ जाती है, इसी तरीके से आप देखें तो 2 पीस आपको फ्रंट डोर्स पे देखने को मिल जाएगी और इस तरीके से आपको 2 पीस जो इसके रियर डोर्स हैं उसके ऊपर देखने को ये मिल जाती है। तो यहाँ पे 6 पीस वाली जो लाइटिंग सिस्टम है वो अपडेट किया गया है कार्डी जनरेशन 2। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपनी जो फुटवेल लैंप्स हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। तो इंटीरियर के अंदर काफी अच्छा जो लाइटिंग का सेटअप है वो आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा बात करते हैं अपने स्टीयरिंग व्हील की,
तो आपने एक चीज नोट करी होगी, तो यहाँ पे कंप्लीट जो इसका जो इंटीरियर है वो डुअल टोन के फिनिश में है, टैन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ। इसी कॉम्बिनेशन के अंदर आपको जो इसका स्टेयरिंग व्हील है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए प्रॉपर स्टिचिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें तो OEM स्टाइल आपको यहाँ पे प्रॉपर जो स्टिचिंग है वो देखने को मिल जाती है कम्प्लीटली। आपको ग्रिपिंग में भी काफी अच्छा मजा आने वाला है और लुक वाइज अच्छी लगी रही है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप नोट करें तो अपना जो इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे टाटा जन वाले स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल किए गए हैं, और दूसरा यहाँ पे आप देखें तो अपना टच स्क्रीन जो म्यूजिक सिस्टम है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि अपना एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ है। 2GB रैम 16GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको मिल जाता है, और काफी अच्छा आपको यहाँ पे टच का रिस्पॉन्स सबसे पहले दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखो तो टच में बिल्कुल भी आपको कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता, और अपना एंड्रॉइड सिस्टम है तो कई सारी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल मिल जाती है, मैप है, क्रोम है, इसी तरीके से आप यूट्यूब वगैरह सारा कुछ इसमें देख सकते हैं। अपना जो है कारप्ले के साथ भी ये वर्क करता है, और जो अपना स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल लगा हुआ है उसको देखें तो ये भी अपना पेयर्ड है। यहाँ पे आप नोट करिएगा नीचे की तरफ तो प्रॉपर आपको ये वर्किंग देखने को मिल जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, इसी तरीके से कॉल पिक एंड ड्रॉप और म्यूट अनम्यूट के जो बटन है सारे प्रॉपर वर्किंग रहेंगे, जिस तरीके से आपको कंपनी जेन्युइन मिलते हैं, क्योंकि कंपनी जेन्युइन वाला जो स्टीयरिंग कंट्रोल है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसके बाद बात आती है अपने रियर व्यू कैमरे की दोस्तों, तो वो भी इंस्टॉल किया गया है, तो उसका आपको अगर मैं आउटपुट दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट टाइम में आपको चेक करवा रहा हूँ, नाइट टाइम के अंदर आपको परफेक्ट जो विजिबिलिटी है वो देखने को मिल जाती है, और डे के टाइम में इसका आउटपुट और ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं अपने इंटीरियर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट इंटीरियर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि डुअल टोन की फिनिश में रहने वाला ये कंप्लीट पीस है, इसको यहाँ पे आप 10 कलर में देख सकते हैं। सेम ये आपको पीस देखने को मिल जाता है, डोर पैनल्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है पूरा, आपको यहाँ पे देखें तो प्रॉपर पेस्टिंग के साथ जिस तरीके से मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया वो सारा कुछ इस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और फिनिशिंग जो करने के बाद उसके बाद फिटमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो कोई भी आपको यहाँ पे गैपिंग वगैरह बिल्कुल देखने को नहीं मिलने वाली है। तो जनरली आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन में आप लोग नोट करते होंगे कि ऐसी फिनिशिंग आपको देखने को नहीं मिलती है, तो यहाँ पे आपको A to Z जो फिटमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर उसी तरीके से देखने को मिल जाएगी जिस तरीके से आपको कंपनी फिटेड मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके चारों दरवाजों के अंदर जो है वो इंस्टॉलेशन इसका जो है वो किया गया है। इसके अलावा फ्लोरिंग जो है वो कंप्लीट फ्लोर के ऊपर आपको फ्लोरिंग देखने को मिल जाती है, अपनी जो नॉर्मल वाली फ्लोरिंग है बर्फी डिजाइन में वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और इसी के कॉम्बिनेशन के साथ जो अपने फुल बकेट सीट कवर्स हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं ब्लैक एंड अपना टैन के कॉम्बिनेशन के साथ। ऊपर की तरफ बर्फी डिजाइन आता है, बीच में आप ये देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देखें तो नीचे की तरफ अगेन बर्फी डिजाइन है, और प्रॉपर बकेट फिटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, कहीं पर भी आपको जो है दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाली है। सेम आप इसका को ड्राइवर वाला पोर्शन है वो भी देख लीजिए, और रियर की सीट भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ किस तरीके का आपको जो रियर सीट का आउटपुट है वो देखने को मिल जाता है, और काफी अच्छा आपको यहाँ पे जो फिनिशिंग है वो देखने को मिलती है। सेंटर में एक आर्मरेस्ट का इंस्टॉलेशन किया गया है जो कि मल्टीपर्पज है, इसमें आपको स्लाइडिंग का फीचर मिल जाता है, नीचे स्पेस है, पीछे की तरफ आप देखें तो यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिल जाता है, और एस्ट्रे भी दी गई है। हैंडबैग यूज करने में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से इसको उठा भी सकते हैं, हालांकि हैंडबैग यूज करने में आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली है, प्रॉपर आपको ग्रिपिंग की जगह जो है वो मिल जाती है। बात करें अब रियर प्रोफाइल की दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखें तो रियर का पैनल कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप देखें तो एम्बिएंट लाइट काफी प्रॉपर आपको आउटपुट देती हुई नजर आएगी। पीछे की तरफ आपको RT कंपनी की जो रियर पावर विंडोज है वो इंस्टॉल देखने को मिलती है, और यहाँ पे आप देखो वर्किंग कंडीशन में तो ये है अपना रियर की पावर विंडोज, जो कि RT कंपनी वाली पावर विंडोज है वो इंस्टॉल करी गई है, और जो अपनी दूसरी वाली एक और पंच आई हुई है वहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो उस वाली पंच के अंदर टाटा जेन्युइन वाली है, तो उसका जो लिंक है ना वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने वो वीडियो देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। इसका इसके बाद इस वाली गाड़ी के बाद जो है उसका वीडियो अपलोड करूंगा मैं, बाकी आप इंटीरियर में देख सकते हो किस तरीके का आपको रियर से जो फिटमेंट है वो देखने को मिल जाता है। मैटिंग बाकी रह गई है तो मैट अभी डलते हैं, तो मैट का भी आपको दिखाता हूँ कौन से मैट यहाँ पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। मैटिंग भी आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो सनीलैक्स वाले अपने जो मैट्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो चार पीस में आते हैं, तो ये अपना पीछे की सीट का, और अगले वाली सीट का भी आपको मैं दिखा देता हूँ तो ड्राइवर वाले पोर्शन में किस तरीके का रहता है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, तो ये भी आप चाहें तो ये इंस्टॉल करवा सकते हैं, अपनी फ्लोरिंग के ऊपर काफी ज्यादा ये यूजफुल रहने वाले हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो भाई अपना अब काम सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ओनर से बात करेंगे दोबारा से, तो सर आप बताइए सारा कुछ काम हो चुका है तो कैसा कुछ लग रहा है अपना? बहुत अच्छा काम हुआ है भैया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आना अच्छा रहा। क्या चीज सबसे अच्छी लग रही है आपको? फिटमेंट वगैरह काफी अच्छी है, जो भी जैसे ये सीट कवर हो गया या फिर ये आपका ये जो लगाया हुआ है जो लाइट लगाया, या फिर ये लेदर का जो कव किया गया है, इंटीरियर का ये आपका जो स्टीयरिंग का जो रैप किया गया है, ये सारी चीजें फिटमेंट बेहतरीन है, एक नंबर है भैया। तो जैसा कि अगर आपको मैं पूछूं कि जिस तरीके से आप सोच के यहाँ पे आए थे कि यार मुझे अपनी गाड़ी को ऐसा काम करवाना है, उससे भी अच्छा भैया, उससे भी अच्छा जो सोच के आए थे उससे अच्छा काम हुआ है। आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद भैया जी। वीडियो में देखा था काम वैसा ही था या कुछ अलग था? एकदम भैया बढ़िया, सेम था लेकिन सेम काम था, और इनफैक्ट मुझे और भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, क्योंकि
आज थोड़ा सा कुछ अलग भी हुआ है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कुछ अलग करेंगे, तो उसी तरह का मेरा एक्सपीरियंस है भैया। तो कोशिश करते रहते हैं, जैसे रोज रोज हम कोशिश करते रहते हैं, हर गाड़ी में कुछ अलग करने की कोशिश हमेशा मैं करता रहता हूँ। तो आज भी हमने कुछ अलग किया है। तो अब मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे आपको आगे आप हैलोजिन जला के आए थे, हैलोजिन का आउटपुट कैसा लगा था आपको? रोशनी कम थी या फिर ठीक थी? भैया बहुत नॉर्मल रोशनी है हैलोजिन में, आपको भी पता है नॉर्मल रोशनी बिल्कुल भी थी। अच्छा। अभी चेक किया था, इनफैक्ट आप चेक भी करवाओगे तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कैसा है, बट स्टिल काफी नॉर्मल लाइट थी। तो अब हम दिखाते हैं इनको, हमने जो लगाया, तो ये हमने जो लगाया उसका ये सिर्फ ये फोग लाइट है, इस टाइम सिर्फ फोग लाइट का आउटपुट है। मैं दिखा देता हूँ फोग लाइट का आउटपुट है। तो यहाँ पे जब आप पहले स्विच घुमाओगे पार्किंग वाला, तो अपनी जो फॉग लैंप से वो जल जाती है, ये फॉग लाइट का आउटपुट है अपनी सिर्फ। उसके बाद हम आ जाते हैं हेडलाइट पे, तो ये अपनी हेडलाइट का आउटपुट है। मैं हेडलाइट का आउटपुट थोड़ा आगे चल के दिखाना चाहूंगा क्योंकि गाड़ी हमारी टेढ़ी खड़ी है। तो ये अपना हेडलाइट का आउटपुट है, और इसमें हाई बीम और लो बीम भी आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आएगा। ये देखो ये अपना हाई बीम लो बीम है, ये देख सकते हैं आप कितना दूर तक जा रहा है। बढ़िया जो है हमने लगाई थी एलईडी, इनको हमने कोशिश करा था बढ़िया से बढ़िया अपनी तरफ से काम करे। तो भैया आपको ये इस टाइम कैसी लग रही है रोशनी, हमने आपकी गाड़ी की बढ़ा दी है तो? भैया बहुत अच्छी लग रही है भैया, काफी क्लियरेंस है एंड विजुअलिटी काफी अच्छी है, और काफी हाई तक विजुअलिटी है, तो डेफिनेटली नो डाउट बहुत अच्छी लग रही है। आप भी सामने देख सकते हो रोड पे किस तरीके का इसका जो प्रेजेंस है वो आपको देखने को मिल जाता है। और मेरे हिसाब से अगर आप भी पंच यूजर हैं और आप इसके हेलोजन वाले हेडलैम्प्स को यूज कर रहे हैं, तो आपको फर्क सामने नजर आ रहा होगा तरीके के इसके हेलोजन बल्ब्स आते हैं उनके मुकाबले में। तो भैया मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आपका आना सक्सेसफुल हो गया ना इतनी दूर से? बिल्कुल 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 भैया, बिल्कुल सक्सेस है। तो ये भी बता दो एक बार, आप आए कहाँ से हैं? भैया मैं मानेसर गुड़गांव से आया हूँ, हरियाणा से। हाँ जी, एंड मैंने काफी सारी वीडियोस देखी थी भैया की, इसके बाद फिर आपकी भी मैंने काफी वहाँ पे कस्टमर्स के साथ जो रिएक्शंस होता था वो मैंने देखा था, तो इसी वजह से मैंने प्लान किया कि नहीं भैया के पास ही जाना है करवाने, वहाँ पे सेटिस्फेक्शन होता है और वो चीज मुझे यहाँ पे मिला, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। जैसे सारा काम ओवरऑल हो चुका है अपना, एक चीज और मैं खुलासा करना चाहता हूँ, जैसे कि आप मेरे पास आ रहे थे रास्ते में, आपको कितने लोगों ने रोका था? भैया काफी लोगों ने रोका था, इनफैक्ट मार्केट में अंदर जाते ही हाथ पकड़ के, अरे भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, काफी 10-15 लोगों ने रोका था, बट मेरा तो डेफिनेटली तो मैं सारी लोगों को बोलना चाहूंगा कि भैया करोल बाग के अंदर ओनली वन डेकोरम हम ही है, और राजन सिर्फ मैं ही हूँ, रजनीश सिर्फ एक मेरा भाई है, तो हमारी कोई अदर ब्रांच तो पहली बात है नहीं, और दूसरी बात करोल बाग के अंदर हर आदमी राजन बन जाता है। मेरे कई कस्टमरों ने बताया कि भैया वो हर दुकानदार रोक के बोलता है मैं ही राजन हूँ। तो भैया थोड़ा सा बी अवेयर, क्योंकि वो लोग जो है ना कस्टमरों के साथ गलत करते हैं, फिर वही होता है कि लोग कहते हैं यार करोल बाग नहीं जाना चाहिए, फिर वही वाली बात आती है करोल बाग नहीं आना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जिस पर्सन के पास जा रहे हो ना, तो राइट पर्सन के पास उसी के पास जाओ, जो रोड पे रोकने वाले लोग हैं ना उनके पास बिल्कुल भी मत रोकना, क्योंकि वो कमीशन वाले होते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, अब भी बता रहा हूँ, रोड पे रोकने वाले सारे कमीशन वाले होते हैं। कमीशन वालों पे रुकने का मतलब है, पहली बात आपकी गाड़ी की क्वालिटी अच्छी नहीं लगेगा, काम अच्छा नहीं होगा आपका, और दूसरी बात वो कमीशन लेंगे, तो फिर जो भी दुकानदार होगा वो दुकानदार उनको कमीशन देने के लिए आपकी जो माल में से कटौती करेगा करेगा। तो इसीलिए जो है ना डायरेक्ट दुकान पे जाओ, जिस भी दुकान पे जाओ। तो पंच के लिए इनका पहले से ही नाम बना हुआ है, तो ऐसा नहीं कि पंच का काम खराब करते हैं, और भैया का रिव्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरीके से हर वीडियो के एंड में हम लोग रिव्यूज इसीलिए लेते हैं ताकि कस्टमर खुद अपने आप से बताएं कि उनका फीडबैक किस तरीके का है। तो भैया ओवरऑल नंबरिंग करनी हो आप कितने नंबर देना चाहोगे सारे काम को, 10 में से नंबर देने आपको? 10 आउट ऑफ 10 भैया, भाई मेरे तरफ से तो 10 में से 11 है। तो भैया आपने मुझे कितना पे कर दिया? भैया मैंने आपको 56,000 रुपए पे किया है टोटल। तो जो भी आपने पैसे मेरे को दिए हैं, आप उस पैसे देने में सेटिस्फाई हो ना? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ज्यादा दे दिया मुझे? नहीं भैया, काफी आपने डिस्काउंट भी किया है मुझे, काफी अच्छा मार्जिन करके, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट, एंड हाँ काफी अच्छा दिया मैं रेफरेंस में, टोटली काम में मतलब आपको वर्थ इट लगा? वर्थ इट लगा भैया, काफी वर्थ इट है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी को भी काम करवाना होगा पंच स्पेशली, तो पंच के लिए मैं आया था, बाकी किसी और कार के लिए भी आप आ सकते हो, बट पंच के लिए भैया सच में सरपंच बना देते हैं, जो बोला है ना उन्होंने वो करके भेज रहे हैं, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। थैंक यू सर आपके आने के लिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको नई गाड़ी के लिए।